अस्सलाम वालेकुम। पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट के जेर मातहत चलाए जाने वाला इदारा लेडी हलीमा बेगम उर्दू प्राइमरी स्कूल और इस्माइल हसन खान उर्दू प्राइमरी स्कूल की जानिब से मैं समीना असलम खान आज आपके सामने विषय मराठी कक्षा पांचवी पाठ क्रम वाराला चू कर ले। ये पाठ जो है पाठ क्रम 9 आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सब बच्चे अपनी अपनी पुस्तकें निकालेंगे। पाठ क्रमांक 9 वाराला चू कंडी, पाठ क्रमांक 14। तो सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तकों में ध्यान दो। सब बच्चे देखेंगे पहला चित्र पहा वाचा। अब पहले चित्र में सब देखेंगे वारा सगळ्यांना त्रास द्यायचा। तो सबसे पहले देखो बच्चों वाराला चू कंडी। वारा यानी क्या? हवा। वारा यानी क्या? हवा। वाराला चूक कर ली यानी हवा को अपनी गलती समझ में आ गई। वारा सगळ्यांना त्रास द्यायचा, नको नको करून सोडायचा। वाऱ्याला आपल्या शक्तीचा खूप गर्व होता। देखो बच्चों यहाँ पर जो है वारा की जो तस्वीर बताई गई है वो तस्वीर एक ख्याली तस्वीर है, जिसमें जो है क्या बताया गया है वारा सगळ्यांना, सगळ्यांना यानी सबको त्रास द्यायचा। त्रास यानी तकलीफ, त्रास यानी तकलीफ या परेशान, तकलीफ या परेशान करता था। और हवा, वाराला अपना शक्ति का खूब गर्व होता। हवा को जो था अपने शक्ति का, शक्ति का मतलब ताकत का, शक्ति यानी ताकत, शक्ति यानी ताकत, ताकत का बहुत उसको क्या था? गर्व था। गर्व यानी के गुरूर था उसको, घमंड था। इसके ऊपर उसको घमंड था, अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। अब देखो बच्चों दूसरे चित्र में एक दिवसी वारा खूब जोर से सुटला। एक दिन क्या हो गया, हवा जो है बहुत जोर से चलने लगी। वारा ने अनेक जारांना मुड़ा सकट खाली पाड़ ले। मुड़ा सकट यानी जड़ से उखाड़ दिया। किसको? झाड़ांना। झाड़ांना मतलब क्या? दरख। झाड़ांना यानी क्या? दरख। दरख को जो है जड़ से उखाड़ दिया। झाड़ांच्या पानांना झाडा पासून अलग केले। जो झाड़ के जो पत्ते थे, पान यानी क्या? पत्ता। जो झाड़ के जो पत्ते थे उसको भी झाड़ से क्या कर दिया? अलग कर दिया। त्यांना दूर वर उडवत नेले। देखो और क्या करे, उसको दूर तक उड़ाकर ले गया। मातीला उड़वले और मिट्टी को भी उड़ाया। झाड़ावरील पक्ष्यांची घरटी मोडली। अब देखो और हवा ने क्या किया, जो पक्षी है, पक्षी यानी परिते, पक्षी यानी क्या? परिते। पक्षी यानी परिते और घरटी यानी के घोंसला। घरटी यानी क्या? घोंसला। हवा ने क्या किया, परिंदों को जो घोंसले थे उनको भी तोड़ दिए अपनी ताकत से। अब उसके बाद देखो तीसरे चित्र में, वहां पे देखो बच्चों एक चिमनी दिखाई दे रही है। चिमनी यानी क्या? चिड़िया। ते चिमनी ने पाहिले, ये सब कौन देख रही थी? एक चिड़िया जो है देख रही थी कि उसने झाड़ को दरख्त जड़ से अलग कर दिया, उनके जो है घोंसले तोड़ दिए। तो ये सब जो थी चिड़िया देख रही थी। ते चिमनी ने पाहिले आणि ती त्याला म्हणाली। अब देखो वो हवा को क्या कह रही है, अरे वाऱ्या तू असे का करतोस, तू ऐसा क्यों कर रहा है, सगळ्यांना त्रास होईल। तू क्या करता है, तू ऐसा कर रहा है तो सबको तेरी वजह से क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है। असे का वागतोस, तू ऐसा बर्ताव क्यों करता है, तू खूब शक्तिमान आहेस ना, तू बहुत ताकतवर है ना, तर पर्वताला खाली पाडून दाखव। पर्वत, पर्वत यानी क्या? पहाड़। पर्वत यानी पहाड़, पर्वत। तो तू क्या कर, तेरे पास इतनी ताकत है ना, तो तू जो है पहाड़ को जो है, पर्वत को है खाली करके बता।
पर्वताच्या चारही बाजूंनी जोर जोरात पाहू लागला। अब उसको गुस्सा आ गया हवा को। अब वो क्या करता है, देखो पर्वत के चारों तरफ जो है जोर जोर से घूमने लगा, जिस तरह देखो बच्चों चित्र में दिखाया गया है, जोर जोर से घूमने लगा वो पर्वत के आजू बाजू। गर्विष्ठ वाले ने, गर्विष्ठ यानी मगरूर, मगरूर हवा ने पर्वताला खाली पाडण्याचे प्रयत्न केले। वो पहाड़ को गिराने की कोशिश कर रहा था, पर पर्वतावरील एक ही दगड़ तो हारू शकला नहीं। लेकिन पहाड़ का, पर्वत का एक भी दगड़, दगड़ यानी क्या, पत्थर, दगड़ यानी क्या, पत्थर, उसने क्या किया, इतनी कोशिश की पहाड़ को गिराने की, पर उसका एक पत्थर भी जो है वो हला नहीं सका। शेवटी वारा थकला, शेवटी यानी के आखिर में हवा जो है थक गया, वो थामला, वो रुक गया। पर्वत आला खनाला। अब देखो पर्वत को क्या कह रहा है, मित्रा तू खूब बलवान है। उसने क्या बताया कि तू कैसा है, बहुत ही ताकतवर है। मला माझी चूक समझ ली आहे, मुझे मेरी गलती जो है समझ में आ गई है। या पुढे मी कोणालाही असा त्रास देणार नाही। या पुढे इसके बाद जो है मैं किसको भी ऐसी तकलीफ, किसको भी ऐसे परेशान नहीं करूंगा। तो देखो बच्चों इस पाठ से हमको क्या समझ में आता है कि कभी भी हमको घमंड गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड का सर, गुरूर का सर जो है हमेशा नीचे झुकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे बच्चों कठिन शब्द वारा, वारा यानी के हवा, तरास यानी के तकलीफ, शक्ति यानी ताकत, गर्व यानी के गुरूर या घमंड, जाड़ना दरक, पक्षी यानी परिंदे, घरटी यानी घोंसला, पर्वत यानी पर्वत, प्रयत्न यानी के कोशिश, दगड़ यानी के पत्थर। तो अच्छा बच्चों इस पाठ के जो है प्रश्न उत्तर हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।